कहानी शुरू होती है एक म्यूजिक वीडियो से, लिटरली एक म्यूजिक वीडियो से। और इस म्यूजिक वीडियो की इंपॉर्टेंस इस मूवी में उतनी है जितनी ईशा देओल और लारा दत्ता के कैरेक्टर्स की है। बट एनीवे, तो असली कहानी शुरू होती है जिम कॉर्बेट। बट फॉर लीगल रीजंस एंड आल्सो बिकॉज़ इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, ऑर्बिट पार्क से जहां चल रही है बकचोदी। और इस बकचोदी को फिल्माने आए हैं डिस्कवरी चैनल के दो अंग्रेज, लेकिन इन चूतियों को चाहिए क्लोजअप शॉट। तो शेर के इतनी पास चले गए कि शेर उड़ गया, चूतड़ फट गया, बंदूक निकल गई, तो शेर ने इनकी मां चोद दी। मीनवाइल यहां जॉन अब्राहम, जो नेशनल ज्योग्राफी के लिए काम करता है, PhD टाइगर है, और इस बकचोदी पे आर्टिकल लिख रहा है। इसका नाम है तो खुले मैदान में भागना तो पड़ेगा ना। लेकिन इस मूवी में क्रिश घोड़े के पीछे नहीं, विधायक JP सिंह के पीछे भाग रहा है। और इसको पकड़ते ही फोन आता है नेशनल ज्योग्राफिक वालों का और मिलता है एक नया प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट है जिम कॉर्बेट। बट फॉर लीगल रीजंस एंड आल्सो बिकॉज इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, ऑर्बिट पार्क के मैन ईटर टाइगर की रिसर्च करना। इस काम के लिए मैं किससे बात करूं? और इस तरफ है काल, जिसका पूरी मूवी में सिर्फ एक ही मूड है। जी करता है जान से मार, जी करता है तुझे जान से मार, जी करता है इसे जान से। तो अब जब इसकी टांगे काम कर रही हैं, तो ये उनका दुरुपयोग करके रैश ड्राइविंग कर रहा है। और गाड़ी में उसके साथ है मुन्नी, शिकारी बॉडी बिल्डर और वेताल। और ये सारे अकल के अंधे घोड़े हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा, सब अपनी अपनी पेले जा रहे हैं बस। रिकॉइल ऑपरेटेड, डू आई केयर? तुमने पूजा कराई? ब्लैक फ्राइडे पागल है यार। सिंगल एक्शन सेमी ऑटोमेटिक, इट्स इनऑस्पिशियस। ब्लैक नाइट्रॉन, कि तभी गाड़ी के सामने आई एक काली बिल्ली। सुहाग रात है क्या जो तूने बिल्ली मार दी? ओ, लगता है बच गई। लेकिन कुछ दूर जाते ही गाड़ी बंद, क्योंकि बिल्ली थोड़ी एडवेंचरस थी, तो टायर के नीचे आने की जगह ऊपर बोनेट में आके घुस के इंजन के ऊपर मर गई। आई मीन हाउ द फक इज इवन दैट पॉसिबल? मालूम नहीं तेरे का मालूम नहीं। कि तभी पीछे से आता है बग्गा, जो दिए की जगह बीड़ी जलाता है, प्रसाद की जगह पैग लगाता है, और अगरबत्ती घुमा के इनको लिफ्ट देता है। एंड जस्ट टू प्रूव द नीड ऑफ हिज मृत्युंजय जाप, ट्रक के सामने कट मार के इनके चूतड़ फाड़ देता है। देखा भीम साहब, हाईवे ट्रक से टक्कर लगी तो भेजा फ्राई खोपड़ी आउट। नाचत कोई मुझे ऐसे लिफ्ट दे देना, ऐसा थप्पड़ मारूंगा पीछे से कि खोपड़ी घूम जाएगी सलेगी। बट एनीवे, तो जाना था इन्हें अपने फार्म हाउस, लेकिन बग्गा थोड़ी कमीशन के लिए बन गया इनका गाइड और लेके जाता है इनको जिम कॉर्बेट। बट फॉर लीगल रीजंस एंड आल्सो बिकॉज़ इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, ऑर्बिट पार्क। लेकिन ये आदमी वैसे तो चूतिया है ही, लेकिन ड्राइवर भी एक नंबर का चूतिया है। ऐसे जंगल के बीचों बीच कच्चे रास्ते में गाड़ी भगा रहा है, और कंट्रोल नहीं हुई तो ठोक दी क्रिश की गाड़ी से। और बस इसी बात पे मिनी राड़ा शुरू। असल में मसल में दूंगा मैं ठसन में बैठेला, कसम में खा रेला, बस सब मैं कर दूंगा, बस सब मैं झेलूंगा नहीं, खिला दूंगा मुंह में पहले पेलूंगा नहीं। लेकिन ये सारी भगचोदी होते हुए झाड़ियों में से कोई देख रहा है। तो काल को सुसु करा के ये सारे जाते हैं जंगल के गेस्ट हाउस में। वहाँ पहुँच के इन्हें मिलता है एक और गाइड, जो इस जंगल का ताऊ है। यू नो ताऊ, जो लोगों को भूत की कहानी सुना सुना के उनकी दो दुनी चार करते हैं। तो ये बोलता है, डरने की कोई बात ना है, मैं सुन के और सूंघ के बता सकूं कि शेर कहाँ है, तो ताऊ की बात मान लो और जाकर नींद ले लो, सो जाओ, आई मीन सो जाओ। लेकिन रात के अंधेरे में आता है काल अपनी सेहत खराब करने, और कुछ देर बाद ताऊ गायब। तो अगले दिन मिलती है ताऊ की लाश, और लोग सोच रहे हैं कि वाह क्या सफाई से काटा है शेर ने। लेकिन वंस अ चूतिया ऑलवेज अ चूतिया। तो शिकारी बॉडी बिल्डर निकल लेता है शिकार करने के लिए, लेकिन फटी पड़ी खुद की है। अबे जब इतना खौफ है तो पहली बात तो शिकारी बना कैसे, और जब बन ही गया था तो मतलब शिकार करने यहाँ नहीं आना था ना, शिकारी बनेंगे चूतिया साला। तो ये सारे लगे इसको ढूंढने, लेकिन लाइक आई सेड ये आदमी तो चूतिया है ही, और इसकी ड्राइविंग इससे भी बड़ी चूतिया। तो पहले गाड़ी फंसाई गड्ढे में, वहां से जैसे तैसे करके निकले, तो ये साले अंधे भगत को इतना बड़ा पत्थर नहीं दिखा और चढ़ा दी। बस फिर आ गए वहां पे तीन शेर इनका सशिमी बनाने। लेकिन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल बिचौलिया लॉ, मूवी में चूतिया लीड्स को बचाने और जनता को सवालों के जवाब देने के लिए किसी को दुआना पड़ेगा। तो इस मूवी का अंतर्यामी है विमल देवगन, जिसे देख के बकायदा शेर भी भाग जाते हैं।
तो ये बोला, ए अंधे घड़ो, एक तो तुम लोग प्रोहिबिटेड एरिया में आए, पत्थर पे गाड़ी चढ़ाए और फिर साला पैदल भी उतर आए। अरे ऐसा करेगा तो शेर सलाड बना डालेगा। वैसे भी सिर्फ उनका सलाड नहीं बनाता है जिनकी जुबान केसरी हो। उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके बाय। तीन चार घंटे अच्छे से ट्रश रंट करके फाइनली इनको मिलती है बॉडी बिल्डर की लाश। तो अब क्रिश को है काल पे शक। What the fuck? तो चीजें थोड़ी और गंभीर करने के लिए शुरू हो गई बारिश। तो दरोगा जी बोले, ओ भाई अरे जंगल है ये, रेन डांस फेस्टिवल नहीं है, बोरिया बिस्तर बांध के कटला यहाँ से, रास्ते की लिंग कभी भी लग सकती है, समझा, चल भाग यहाँ से। लेकिन यहाँ पे चल रही है बहस। आए तो ही कर रहा है इन लोगों का कत्ल, मैनू पता है, साला मुंह तो न उतरा तो ड्राइवर गायब, फूक न निकला तो ताऊ गायब, अब साला पता नहीं क्या झोल कर दिया अपना, शिकारी भी गायब। ओए साले ये जुल्फे कटवा ले, अब दिमाग पे असर करने लग गई है, क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है साले। लेकिन अब किस्मत का क्या है, कभी भी पलट जाती है, तो हो गया लैंडस्लाइड और रास्ता बंद। But not to worry, विमल भाई मिल जाएंगे यहीं कहीं भटकते हुए रास्ते दिखाने के इंतजार में। लेकिन once again, इस चूतिये भगत ने फिर से गड्डी ठोक दी। भाई ये साला तीसरी बार कर रहा है, इस चूतिये को ड्राइवर और गाइड बनाया किसने यार है? नहीं मतलब बाकी काम छोड़ो, पहले इसका लाइसेंस कैंसिल करो। Exactly. तो अब गड्डी ठीक होने के इंतजार में ये लोग नदी किनारे बैठ के कप्पे लड़ाते हैं। और विमल भाई कोई कहानी सुनाओ यार। तो विमल भाई बोले, 2500 साल पहले यहाँ पे एक डेडिकेटेड गाइड रहता था जो जंगल को बचाने के लिए टूरिस्ट को शेर के आगे फेंक देता था, सो दैट शेर की भूख मिट जाए। लेकिन जब ये बात बाकी लोगों को पता चली तो उन लोगों ने गाइड को पकड़ के खूब पेला, मतलब कतई कूट दिया, और खुद इसको कर दिया शेर सिंह के हवाले, मेरा मतलब शेर के हवाले। अब बस तब से उसकी आत्मा हर आने जाने वाले की बूटी ले रही है। लेकिन कहानी खत्म होते होते सब सो जाते हैं। लेकिन मेरे हाथ में तो मुन्नी की फटके चार, तो भागी और भाग के छुपी एक पत्थर के पीछे। लेकिन पत्थर पे दिया किसने थूक, तभी दिखी इसे काल की लाश। एंड स्नैप बैक टू रियलिटी, और प्राणी की अच्छी क्वालिटी प्रमोशन है यार। तो ये तो सारा सपना था। एंड सरप्राइज सरप्राइज, अब बग्गा भी गायब है। लेकिन गायब होने से पहले गड्डी ठीक कर दी थी उसने, सो कन्वीनियंट, सो कन्वीनियंट। तो अब मिस्टर विशाल जिसकी फटके 2500, बोला शटी शटी आजा होके तैयार, साला अपुन पहुंचाएगा गड्डी को उस पार। लेकिन अफसोस अफसोस, बग्गा की ही तरह ये भी टट्टी ड्राइवर है, तो गड्डी अटक गई, फ्यूल की टंकी फट गई, सिगरेट हाथ से गिर गई और आग लग गई। लेकिन बाकी सब तो निकल के भग गए, बस इसकी बूटी फट गई। पट 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 पट, डिफाइंग ऑल ऑड्स, वेताल अभी भी जिंदा है और बस बाहर आ ही रहा होता है कि ओ बॉय, मतलब एक बार बचा सो दैट और गंदी मौत मर सके। तो अब कहीं मौत के स्टार्ट बढ़ ना जाए तो इनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो निकलते निकलते हो गई रात, फाइनली मिला इन्हें एक अबैंडन्ड घर। तो विमल भाई बोले, ये घर अच्छा लग रहा है, आज रात यहीं पे झप्पी मारेंगे। लेकिन लेकिन कुएं के पास कोई नहीं जाएगा, कुएं के पास कोई नहीं जाएगा। बस सबके सोने के बाद ईशा जी बोली, हॉरर मूवी ही तो है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा कोई, भाई मुझे लग रही है प्यास तो मैं तो बुझाएगी। तो बिना किसी को जगाए दीदी चली गई पानी लेने, बट ऑब्वियसली ये कुआ कौन सा शरीफ है, पानी पी के बेचारी जा ही रही थी कि साला इसको भी ले लिया आड़े में। एंड सिंस ईशा का वजन एक बाल्टी से कम है तो वो भी हो गया रहा है पीन पीस। हेलो हाउ आर यू, आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी, here too much raining। अच्छा वैसे इसके घर पे मरने की न्यूज़ कैसे देंगे? जी आपकी बेटी को एक बाल्टी ने कुएं में खींच लिया और वो मर गई। It will be so funny if they say that। You're getting lame, dude. Self realization। But anyway, तो finally बाकियों की खुलती आंखें, मिलती है उन्हें डेड बॉडी। तो बॉडी देख के विमल भाई ने शुरू कर दिया अपना रैंट की, साला जो आता है वो चूतियागिरी करता है, जंगल के रूल्स पढ़ते नहीं है, बस अच्छा माहौल देख के रंग लालिया बनाने लग जाते हैं, बिल्कुल शर्म नहीं है सालों को। तो इसका रैंट सुनते सुनते काल भैया ने देखा कुएं के अंदर, एंड प्लॉट ट्विस्ट, साला इस आदमी का तो पानी में रिफ्लेक्शन ही नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू हॉन्टिंग ट्यूब की रूल बुक, जिसका रिफ्लेक्शन नहीं उसको इंसान कहलाने का कोई हक नहीं। तो काल ने चलाया अपना तेज दिमाग और विमल भाई को भेज दिया लकड़ियां
लकड़ी हलाने और ये तीनों बैठ के देखने लग गए वेताल के कैमरे की वीडियोस। एंड सरप्राइज सरप्राइज, विमल भैया तो एक भी वीडियो में नहीं दिख रहे, सिर्फ ऑडियो है ब्रो। तो भाई इस घोचू ने कैसे नोटिस नहीं किया, मतलब पागल तो इसके बाद हुआ था ना, इससे पहले तो ठीक ही था ना। मतलब लौंडा बकायदा सामने बैठ के वीडियो बना रहा था और भाई साहब ने देखा नहीं, बड़ा अंधा आदमी था भाई। अच्छा हुआ डायरेक्टर ने लुढ़कवा दिया, वरना पता नहीं और कितनों को लेके मरता। खैर अब सिंस ना इनके पास कोई जादू टोना वाला आदमी है और ना ही इनको कोई मंत्र आता है, तो अफसोस अब बस एक ऑप्शन बचता है। तो विमल भाई लौटे लेके लकड़ियां, तो एहसास हुआ कि कट चुका है चूतिया। तो भैया बोले फ्लैशबैक टाइम, इसने जिस सर फिरे गाइड की कहानी पहले सुनाई थी वो साला यही था, और दर्दनाक मौत मरने के बाद बन गया ये भूत, और अब साला 24/7 जंगल के रूल्स तोड़ने वालों को तोड़ता है। तो जैसे तैसे करके चूतड़ों का पूरा जोर लगा के काल कृष और मुन्नी भागे, लेकिन गिरते पड़ते लग गई मुन्नी को चोट। तो लौंडों ने तोड़े दो बम्बू, बांधी अपनी जैकेट और बनाई एक प्रॉपर फोल्डेबल स्ट्रेचर, नहीं लाइक लिटरली प्रॉपर स्ट्रेचर, होपिंग दैट जो भी मूवी देखने आएंगे सारे अंधे हैं। तो भाग भाग के पहुंचे ये एक फॉरेस्ट ऑफिसर के बूथ में, जहाँ पे ऑफिसर ऑलरेडी आर एफ इन पीस हो चुका है और टेलीफोन भी काम नहीं कर रहा। कि तभी पीछे से गिरा एक बिजली का खंभा, लेकिन 5 सेकंड में ये लोग पहुंच गए इससे दूर। स्पीड है भाई। एंड फाइनली पहुंचे ये लोग सड़क पे, जहाँ पे मिला बग्गा और फॉरेस्ट पुलिस चाचा। ओए अच्छा, मुझे तो लगा बग्गा का टिकट कट चुका था, ये तो अभी भी टिका हुआ है, कमाल है ब्रो। मृत्युंजय जाप ने काम कर ही दिया लगता है। तो जंगल से बच बचा के क्रिश पहुंचा वापस अपने घर, और अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा इसने एक डिटेल्ड आर्टिकल, लेकिन बेचारे की कहानी को कौन ही सच मानेगा, लाइफ ऑफ पाई सीन हो गया है तो। एंड सिंस विमल भाई मरे तो है नहीं, मर तो चुका है लेकिन मुक्ति नहीं मिली, तो जिम कॉर्बेट बट फॉर लीगल रीजंस एंड आल्सो बिकॉज इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, और बिट पार्क मैसेकर अभी भी चालू है नॉनस्टॉप, और मूवी खत्म। इस मूवी का नाम काल की जगह अ गोस्ट हु वाज अ ह्यूज फैन ऑफ मोगली एंड फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए था। ज्यादा सेंस बंदा। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर अच्छी लगी तो शेयर भी करते जाना। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट अस डायरेक्टली देन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर मर्चेंडाइज वेबसाइट theoddprime.com, क्योंकि योगी बाबा की मर्च तो है ही, बट साथ में और भी कई सारे कूल प्रोडक्ट्स हैं विच आई एम श्योर यू गाइस विल फॉर श्योर लाइक देम। तो जाओ जाके चेक करो यार।